नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले स्मृति ईरानी के बयान पर हंगामा और अब उनके जूनियर के बयान पर हंगामा। जी हां, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जब रामशंकर कठेरिया ने आगरा में वीएचपी नेता की शोक सभा में एक ऐसा बयान दे दिया, हर कोई उसे देखकर सन रह गया। लेकिन इधर विपक्ष ने उसे मुद्दा बना दिया है, कहते हैं हर हाल में इस्तीफा चाहिए। आगरा का मुस्लिम समुदाय हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर है। इन तख्तियों पर लिखी इबारत देखिए, लिखा है मैं मुस्लिम हूं, आओ मुझे मारो। दरअसल ये धरना प्रदर्शन आगरा के सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के एक विवादित बयान की प्रतिक्रिया में है। कठेरिया ने 28 फरवरी को आगरा में वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि कठेरिया ने कहा क्या था। जो कुछ हिंदू हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन उसके बाद कठेरिया ने जो कुछ कहा उसे सुनकर हर कोई सन रह गया। केंद्र सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री जैसे अहम ओहदे पर बैठे कठेरिया के इस बयान पर सियासी संग्राम। आगरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामशंकर कठेरिया के बयान के विरोध में एकजुट होकर धरना दिया। कठेरिया की बर्खास्तगी को लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा। कठेरिया को भी गुमान नहीं था कि उनके बयान पर इतना विवाद हो जाएगा। मामले ने धूल पकड़ा तो कठेरिया बैकफुट पर आ गए, कहने लगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हिंदू मुसलमान किसी का शब्द प्रयोग किया नहीं, शब्द लिया नहीं। केवल जो आगरा में एक दलित की हत्या दिन दहाड़े मार्केट में हुई, हत्या पूजा कर रहा था तब हत्या हुई, उसकी शोक सभा में हत्यारों को सजा मिले, फांसी मिले, ये जरूर कहा है। और जो मैंने लाठी की बात कही है वो लाठी चार्ज जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हुआ उसके बारे में पुलिस के खिलाफ बोला है, किसी समुदाय के बारे में एक शब्द बोला नहीं। आगरा के वीएचपी नेता की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह रामशंकर कठेरिया ने भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया उस पर आगरा से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। विपक्ष हमलावर है, सरकार मौन है। आगरा में अरविंद शर्मा के साथ ब्रजेश पांडे, दिल्ली आज तक। 25 फरवरी को दिन दहाड़े आगरा में वीएचपी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई। उसके बाद बवाल मच गया, खबर ये आई कि सिर पर सटा कर गोली मारी गई है। अलग अलग जगह पर हंगामा कोहराम मचने लगा, थानेदार की पिटाई हुई, इधर मस्जिद में जाकर जो इमाम है उसकी पिटाई शुरू हो गई। लेकिन इस बीच सियासत भी पकी, वीएचपी के नेता बीजेपी के नेता ने नफरत की खूब बोली बोली। अट्ठाईस फरवरी को अरुण माहौर की श्रद्धांजलि सभा जैसे शक्ति प्रदर्शन की सभा बन गई। वीएचपी ने इस मामले को नोएडा के अखलाक हत्याकांड से जोड़ दिया। वीएचपी और बीजेपी ने यूपी से मांग कर डाली कि जितना मुआवजा अखलाक के परिवार वालों को मिला उतना ही अरुण माहौर के परिवार वालों को मिलना चाहिए। शोक सभा में बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो दूसरे समुदाय को लेकर कड़ी बयानबाजी की। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ आगरा के बीजेपी सांसद और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान पर। मंच से विवादित भाषण देने वालों में रामशंकर कठेरिया अकेले नहीं थे। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद बाबूलाल चौधरी ने तो हदें पार कर दी। मैंने कोई बात है,
मंच पर वीएचपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सुनील जैन थे तो नफरत की भाषा बोलने में महारत रखने वाली साध्वी प्राची भी। हिंदू परिषद का बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, यहाँ का अध्यक्ष है और उसने साफ कहा है कमजोर केस मत बनाना किसी के दबाव में। यदि तुमने कमजोर केस बनाया और उसको छोड़ दिया तुम तो छोड़ सकते हो लेकिन ये समाज तुमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरुण महोर की श्रद्धांजलि सभा में कठेरिया के भाषण पर विवाद हुआ तो बीजेपी नेता पूरे तेवर के साथ उनके बचाव में आगे आ गए। लोग मारे जा रहे हैं और विशेषकर हिंदू नेता मारे जा रहे हैं, ये दुखदाई है। दोबारा होता रहेगा माने हत्या होती रहेगी जी, यानी हिंदू लोग मारे जाएंगे, यही तो हुआ है। पहले भी पुलिस को दी थी कि इन सारखों ने मेरे को ऐलान किया है कि दो दिन के अंदर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद उस पर गोली से हत्या कर दी गई। उससे पहले एक साल पहले उसकी दुकान में आग लगा दी गई। तो इस तरीके की घटनाएं होंगी और हिंदू समाज तमाशा देखता रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो इस तरीके की घटनाएं रोज होगी। आगरा में वीएचपी उपाध्यक्ष की हत्या का मामला सियासत की बिसात पर बिछ गया। आग लगाने वाली बयानबाजी हुई और इस बयानबाजी में वो भी शामिल रहे जिन्होंने समाज में नफरत की आग बुझाने की शपथ ले रखी है। आगरा में अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे वीएचपी के उस उपाध्यक्ष की, जो जिला उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या का मामला पर्दे के पीछे चला गया है। अब अगर मुद्दा बना है खास तौर पर विपक्ष के लिए कुछ, तो कठेरिया साहब का बयान खूब दबाव डाला जा रहा है। विपक्ष का कहना है हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। इधर मुस्लिम नेता, तमाम नेता नाराजगी जता रहे हैं उनके इस बयान पर। मैं समझती हूँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मंत्री पद पर बैठे हुए जिम्मेवार व्यक्ति को इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करना ये बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदा के लायक है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो तो रोज ये बयान करते हैं, रोज और कोई ना कोई रास्ते से, यानी एक तरह से देश सुकून में है वो चैन में ना रहे। मोदी रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार ने कैसा बजट बनाया है कि पीएफ को लेकर लोग हैरान परेशान हैं। पीएफ तो बख्श दो सरकार, लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पहली बार पीएफ पर टैक्स, कह रहे हैं एक ही सैलरी उस पर दो बार टैक्स और वो भी ऐसी कमाई की बचत जो बुढ़ापे में काम आती है। दिल्ली की सड़कों पर सरकार विरोधी नारे बुलंद हो रहे हैं। ईपीएफ पर टैक्स के खिलाफ कर्मचारी मोदी और अरुण जेटली के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी पर सरकार ने हाथ डाला तो हंगामा होना ही था। टैक्स ले देकर जो पैसा एक नौकरी पेशा शख्स बचाता है, सरकार उसी बचत पर चपत लगा रही है। मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति अपने सारे जरूरी काम जिस रिटायरमेंट के पैसे से पूरा करता है, सरकार ने उसी पैसे पर डाका डालने की योजना बना ली। प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारियों के भविष्य निधि के एक बड़े हिस्से को इनकम टैक्स के दायरे में लाने पर सरकार अब लाख सफाइयां दे, लेकिन कर्मचारी यूनियन, ट्रेड यूनियन संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका सरकार से यही कहना है कि आखिर उनके जीवन भर की जमा पूंजी पर सरकार की टेढ़ी निगाह क्यों और सरकार उस पर डाका डालने की योजना क्यों बना रही है। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है विरोध का, पूरे मार्च और अप्रैल ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। अब टैक्स के मोर्चे पर नौकरी पेशा चीख रहे हैं, ईपीएफ के 6 करोड़ खाताधारी चिल्ला रहे हैं सरकार टैक्स खाए जाते हैं। मैंने कई लोगों से बात की, लोग गुस्से में हैं। ईपीएफ पीपीएफ निकालने पर आम आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, अमीरों का कर्ज माफ हो रहा है, ब्लैक मनी जमा करने वालों को माफी मिल रही है। आम बजट में पीएफ से जुड़े एक प्रपोजल पर सरकार विवादों में आ गई। जेटली ने देश का बजट बनाया तो एक क्लॉज के तहत 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ अकाउंट में जमा होने वाली रकम को निकालते समय 60% अमाउंट पर टैक्स लगा दिया। बजट पेश हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि ईपीएफ के मुद्दे पर बवाल मच गया। भारतीय मजदूर संघ ने इसे शर्मनाक फैसला बताया तो ये भी कहा कि सरकार ने उस पैसे पर टैक्स लगाया है जिसे एक कर्मचारी भविष्य के लिए जोड़ता है।
इसमें कोई इनकम नहीं, ये सरकार का इसमें कोई दखल भी नहीं, सरकार का एक पैसा नहीं, उसके बावजूद भी सरकार इसको टैक्सेबल कर रही है। इससे शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकती, हम लोग हताश हैं। आज हम आपको फंड पर टैक्स का पूरा फंडा समझाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ईपीएफ पर बवाल बढ़ा तो सरकार के हवाले से इस पर सफाई आई। सरकार के राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने बताया कि पीपीएफ पर टैक्स छूट जारी रहेगी और पीपीएफ निकालने पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और वहीं ईपीएफ यानी इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड निकालने पर भी 60% राशि पर नहीं बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। अब सरकार जो सफाई दे रही है उसमें भी झोल है। राजस्व सचिव के हवाले से कुछ कहा गया और वित्त राज्य मंत्री अपने बयान में कुछ और ही समझा रहे हैं। तो क्या सरकार रिटायरमेंट के पैसे पर जनता को उलझा रही है? चाहे वो ईपीएफओ हो या एनपीएस हो, तो 40% उसमें जो विड्रॉल होगा उस पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। फिर जो 60% जो बचेगा उस 60% पे अगर आप एनुइटी ले लेते हैं यानी एक पेंशन ले लेते हैं, तो जो पेंशन इनकम होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, एनुइटी लेने के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने अपनी शंका प्रकट की है, बहुत लोगों ने ये भी बताया है कि उनको ये प्रस्ताव जो है पसंद नहीं है। इन सब बातों पे हम लोग सोच विचार कर रहे हैं और देखिए ये सोच विचार करके हम लोग किस नतीजे पे आते हैं और क्या तय करते हैं। हम आपको बता दें कि आज तक किसी सरकार ने रिटायरमेंट के पैसे पर टैक्स नहीं लगाया। जेटली जी कहते हैं कि ईपीएफ का 40% हिस्सा टैक्स फ्री होगा। वित्त मंत्री जी भले ही घुमाकर कान पकड़ रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर सरकार जिंदगी भर की बचत पर चपत लगा रही है। नौकरी पेशा लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार शायद उन्हें बजट में कुछ रियायत देगी, लेकिन रियायत देने के बजाय सरकार उल्टा बुढ़ापे के लिए पूरी जिंदगी भर जोड़ी गई उनकी जमा पूंजी पर भी टैक्स वसूलना चाहती है। अब चौतरफा आलोचना हो रही है तो सरकार इसको लेकर तरह तरह की सफाई दे रही है, लेकिन सच बात यही है कि सरकार का ये फैसला लोगों को बेहद चुभ रहा है और इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। सामान्य मानवीय के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़े सेविंग